नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अनिल। जनपद अलीगढ़ शहर में श्रीमती राम सखी कठेरिया, पूर्व विधायक, महिला राज्य आयोग की सदस्य, उनके आवास पर डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री ने नगर निकाय चुनाव के बारे में कुछ उद्देश्य दिए। महानगर अनुसूचित मोर्चा ने जोरदार स्वागत किया, जिसमें मौजूद रहे कौल विधायक अनिल परासर, अनूप प्रधान, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश महानगर अध्यक्ष सोनू कुमार जाटव, मीडिया प्रभारी देवेंद्र कठेरिया, मनोज कुमार मडराक मंडल अध्यक्ष आदि। और योगी जी का जो समन्वय है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और अच्छा है। आप देखो कि अलीगढ़ में जब यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर जिन्होंने जमीन दी उनका नाम नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय नया निर्माण हुआ, उसमें यही सब मूर्तियों का और हमारे यहाँ के महानगर अध्यक्ष का सबका मांग थी, उसी के आधार पर यहाँ पर विश्वविद्यालय बना। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और हम सब यही चाहेंगे कि यहाँ का महापौर बीजेपी का अगर हो तो कितनी बड़ी बात होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीचे का जो पद है वो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जरूरी है। जैसे मैं कुर्ता पैजामा पहनूँ ना, अगर नीचे का पैजामा ना हो और केवल कुर्ता पहन के वो अच्छा लगेगा, तो वैसे ही ऊपर योगी जी की सरकार यानी कुर्ता है और नीचे नगर निगम है, तो नगर निगम आपका पैजामा है नहीं अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में महापौर के लिए अभी से कमर कस लो। प्रत्याशी कौन होगा मतलब नहीं, प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल का फूल जिसको कहे उसको देंगे। तो इसलिए अब आप कुर्ता के साथ साथ पैजामा देने जा रहे हो ना, पक्का अब राम सखी जी के वहां जाके थोड़ी देर बैठेंगे। बाकी आप लोग हमको पता ही नहीं था कि आप लोग आए हुए, तो मैं पहले ही आ जाता। हमको तो केवल इन्होंने कहा था कि आपको चाय पीना है। राम सखी कचहरी, पूछो नाम, पूछो। मैं आपका नाम, मैं राम सखी कठेरिया, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य महिला सदस्य। इस समय माननीय मंत्री जी से बहुत पुराने संबंध रहे हैं, घर पे आना जाना रहा है। जब भी मैं जाती थी उन्हें अनुरोध करती थी तो यही कहते थे कि जब मेरा कार्यक्रम लगेगा तो मैं जरूर आपके घर पर आऊँगा। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, माननीय मंत्री जी घर पर आए चाय पर और उनके कार्यक्रम कई थे। माननीय मंत्री जी का यहाँ सभाई थी, बैठे थी, उस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका औरंगाबाद में विद्यालय में कार्यक्रम था, कार्यक्रम में शामिल हुए और दूसरे तीसरे पर यहाँ पे आए। और उसके बाद में धीरेन्द्र शर्मा जी ने बेटी के सभी समारोह में आए और यहाँ पे उन्होंने जो बीजेपी के संबंध में जो कार्यकर्ता जो बुलाए सारे, उनसे वार्ता करी क्योंकि नगर निगम का चुनाव समय आ रहा है, तो उनको जो है बात करने के लिए कि आप ईमानदारी से अच्छे कार्यकर्ता हैं, ईमानदारी से काम करिए, कहीं पहले जैसी चूक ना करिए। दमदारी से आपको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में सक्रिय होकर माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, धनराज माननीय कल उनका मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में जो कल आ रहे हैं वो कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और नगर निगम के बारे में कुछ नहीं करना। अब तुम हंसलोगे तो कहाँ से ना जवाब। सर आपका शुभ नाम और यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार कठेरिया, महानगर उपाध्यक्ष। आज श्री राम सखी कठेरिया जी के यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और एस सी मोर्चे द्वारा ढोल नगाड़े द्वारा भव्य स्वागत हुआ और निकाय चुनाव पर बातचीत हुई।
डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ कौन कौन था इस समय? उनके साथ श्री अनूप प्रधान जी मंत्री जी और श्री अनिल पारसर जी और जो कि वर्तमान में वर्तमान में विधायक है। उनका आने का उद्देश्य था कि निकाय चुनाव में भाजपा